इधर अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे सनातन पर उगलते रहे जहर। उधर बुलडोजर बाबा ने कर दिया खेला, अब डूबेगी सपा की नैया। बीजेपी और आरएलडी की खिचड़ी पककर तैयार। अरे भैया, यूपी में तो खेला हो गया। अखिलेश यादव बड़े बड़े बातें करते रह गए और इधर बुलडोजर बाबा ने उनकी नींव खिसका दी। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की नो बॉल पर ऐसा सिक्सर मारा कि बेचारे चारों खाने चित्त हो गए। एक तरफ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की रैली में अपना रुतबा दिखाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यहां कुछ ऐसा हो गया कि बेचारी रैली तो छोड़ो, कहीं और भी रुतबा दिखाने के काबिल नहीं बचे। चौधरी चरण सिंह के नाती जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को ऐसी जगह ले जाकर छोड़ा है जहां वो ना घर के रहे और ना घाट के। खबरें आजकल ये चल रही हैं कि आरएलडी सपा का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन करने जा रही है। कुछ सीटों पर बात भी बन गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का भविष्य देखने के लिए इस खबर को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, इन दिनों उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक पूरे जोर शोर से चल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है और उससे पहले सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपनी हालत दुरुस्त करने में जुटी हुई हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी एक्टिव रहने वाले हैं। तो वहीं उनके सहयोगी अखिलेश यादव यानी कि बबुआ को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन टूट चुका है और जल्द ही जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं, यानी कि एक बार फिर आरएलडी एनडीए में शामिल होगी। मतलब बेचारे अखिलेश यादव कुर्सी के सपने देखते रह गए और बीजेपी ने खेल कर दिया। के साथ ही उत्तर प्रदेश में सपा का भविष्य गर्त में ज्यादा देखकर जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया है और जल्द ही चार लोकसभा सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में बात फाइनल भी होने वाली है। इन सीटों में कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा शामिल रह सकती हैं। क्या बीजेपी में जाना उनके राजनीतिक भविष्य के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।